लगता है रोदा खुल गया, आज तो बड़ी देर हो गई है। राइडर आ गया। ये वक्त है उसका आने का, अफ्तारी का वक्त हो गया है, अब वो खाना लेके आ रहा है। चलो पूछता हूँ मैं इसे। ओ माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, मैंने अफ्तारी का सामान मंगवाया था, सहरी का नहीं। ये वक्त था तेरा आने का, ऐसे कर ले जा वापस तू। सर आई एम सॉरी, इफ्तार के ऑर्डर ज़्यादा थे इसलिए देर हो गई। आप रहे मेहरबानी, ये ऑर्डर रख लें और पेमेंट कर दें, इफ्तार का वक्त हो गया है। ओ भाई वक्त पर खाना पहुँचा नहीं सकते तो इतने ऑर्डर लेते क्यों? ऐसे करो तुम ले जाओ वापस, हमने बंदोबस्त कर लिया है, हमें नहीं चाहिए ये। सर ये जुल्म मत करें, मैं गरीब बंदा हूँ, कैसे नुकसान पूरा करूंगा? कम से कम मेरा नहीं तो इस पाक महीने का ही आप एहसास कर लें, मेरा भी रोजा है। नुकसान भरोगे तो तभी तुम्हें अकल आएगी कि अगर ऑर्डर लेते हैं तो उसे हर सूरत वक्त पे पहुंचाना होता है। एहसास करने का ठेका मैंने अकेले नहीं उठा रखा, रोजा खुल गया और मैं यहाँ खड़ा तुम्हारे साथ बहस कर रहा हूँ, जाओ यहाँ से। सर प्लीज ऐसा ना करें, प्लीज मैं गरीब बंदा हूँ। बाबा आप रख लेना, देखे वो रो रहा है। तुम्हें नहीं पता इनके ड्रामों का, चलो तुम अंदर और जा भाई। मम्मा कल जो बाबा ने मुझे पॉकेट मनी दी थी वो दे। अभी अफ्तार का टाइम हुआ और तुम्हें फिर से अपनी चीज की पड़ गई है, कोई पैसे नहीं, आराम से बैठो। जब मैंने तुम्हें मना कर दिया कि कोई जरूरत नहीं है उसे पैसे देने की, फिर तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? चलो आगे बैठो इधर। ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप? बच्चे से आराम से बात करें। तुम खुद ही देखो, पूरा दिन रोजा रखने के बाद इंसान को इफ्तारी का इंतजार होता है। पहले उस मनहूस राइडर ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, अब तुम्हारे इस लाडले बेटे पे मदद करने का भूत सवार हो गया है। अब गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? बाबा लेकिन रमजान से पहले आप तो मुझे लोगों को माफ करने की नसीहत करते थे। बेटा रमजान का महीना शुरू होने जा रहा है तो हमें लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करनी चाहिए, क्योंकि रोजा लोगों का एहसास करना सिखाता है, और अगर किसी से गलती हो जाए तो हमें दरगुजर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है। तो क्या अब आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उसे माफ कर दे? वो बेचारा रोजे से है और गरीब आदमी है। हाँ सही कह रहे हो तुम बेटा, कभी कभी माँ बाप अपनी सिखाई हुई बातें खुद ही भूल जाते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे वक्त पे एहसास दिला दिया और मेरी आंखें खोल दी। चलो अब चल के उन अंकल को पैसे देते हैं और ऑर्डर रिसीव करते हैं, आ जाओ। भैया मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने तो आपके रोजादार होने का भी एहसास नहीं किया, बल्कि आप ये पैसे रखें और वो ऑर्डर मुझे दे दे। लगता है आपने मुझे माफ नहीं किया, रमजान के इस बाबरकत महीने के सदके मुझे माफ कर दें, किया तो मैंने आपके साथ बहुत बुरा है। सर आप मुझे शर्मिंदा ना करें, अगर आपको एहसास हो गया है तो मैंने भी आपको माफ कर दिया है। बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा, बल्कि तुमने बताया था कि तुम्हारा रोजा है और इफ्तारी का टाइम भी हो चुका है, आज आज हमारे साथ इफ्तार करो। बहुत शुक्रिया सर आपका, बस मुझे पानी पिला दें, आपकी तरह और लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, मैंने जरा ऑर्डर पहुंचाने हैं। अब तो जो देर होनी थी वो हो चुकी है, तुम जल्दी से आ जाओ, इफ्तार करो फिर चले जाना। चलो बेटा आ जाओ। इस वीडियो को सदकाए जारिया समझकर जरूर शेयर करें, हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।